सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी कि हमने आपने हमको मेधा लर्निंग क्लास का एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया, क्योंकि सर हम क्योंकि हमको सीखने को तो बहुत कुछ मिल जाता है लेकिन हम उसको लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो हमको यहाँ प्रैक्टिकली हम उसको कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं ये भी हमको यहाँ पे मौका मिला। इसके साथ साथ हमारे यहाँ मेधा क्लासेज के जो भी हमारे सेशन रहे थे वो हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे हैं, एंजॉयफुल रहे हैं, क्योंकि हम जो मेधा क्लासेज में जब भी प्रेजेंट होते थे मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से हम वहाँ प्रेजेंट रहते थे, क्योंकि कभी होता है क्लास में हम फिजिकली तो होते हैं लेकिन मेंटली हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ कुछ पता नहीं चलता कि हमारा माइंड कहाँ सेटअप रहता है, लेकिन मेधा क्लासेज में इसे एक्टिविटीज होती थी कि हम मेंटली और फिजिकली वहाँ भी प्रेजेंट रहते थे। इसके अलावा मेधा क्लासेज में जो हमने डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज की, जैसे हमारा रिज्यूमे राइटिंग हो गया, इंटरव्यू हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, टीम बिल्डिंग स्किल्स हो गई, लीडरशिप स्किल्स हो गई, पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट हो गया, ये सभी जो है हमने केवल सुना है इनको एप्लीकेशन नहीं किया, तो मेधा क्लासेज में हमको इनको सीखने के साथ साथ लर्निंग के साथ साथ हमने इसका फील्ड में एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं वो भी हमने सीखा। और इसके अलावा मेधा क्लासेज में है जो हमारा पब्लिक स्पीकिंग का जो पार्ट है उसमें मेरे को सबसे अच्छा लगा, क्योंकि पहले जो हमें पब्लिक स्पीकिंग बोलते तो सही था लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिला, प्लेटफॉर्म मिलने के साथ साथ मैंने बोलने पर अपने पर काम किया कि आज ये है कि किसी भी स्टूडेंट मेरे ही नहीं किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी बोलने का अगर अपॉर्चुनिटी दे दिया जाए, कितने मतलब सामने सर हो, कितने भी स्टूडेंट हो, कितने भी लोग हो, फिर भी उनको किसी भी टाइप की मतलब एजिटेशन वगैरह नहीं होगी। तो फर्स्ट बात की सभी स्टूडेंट की एजिटेशन बिल्कुल मतलब दूर हो गई है और वो कहीं भी विदाउट एजिटेशन के किसी भी प्लेस पर कॉन्फ्रेंस हो, मीटिंग हो, वेबिनार हो, विदाउट एजिटेशन के कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं और बोल सकते हैं। थैंक यू सर।